बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरबी से लाइफ में आपके साथ मैं आपके साथ वीकली रिपोर्ट शेयर कर दूंगा। मैं कुछ वीडियो आपके साथ जद्दा से भी शेयर करता था, खासकर बनी मालिक से, क्योंकि बनी मालिक इस वक्त गैर मुल्कियों का, प्रदेशों का गढ़ बना हुआ। वो कैसे अशरिया वगैरह में जितने भी गैर मुल्की थे सब भाई वहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं, यानी कि बनी मालिक में ही पहुँच चुके हैं। उसकी रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो अशरफिया में अशरफिया गया, यानी कि गिराया जा रखा है। वहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह मुकम्मल खाली करवा ली गई हैं और कुछ जो मोहल्लात यानी कि दुकानें वगैरह हैं वो कुछ बची हुई हैं। अभी बनी मालिक में वो तमामतर अफराद इसलिए पहुंच चुके हैं कि यहाँ पर दिहाड़ी वगैरह मिल जाती है। तमामतर परदेसी भाई हैं तो एक दूसरे से यानी कि कॉल वगैरह करके, रब्ता करके, वो एक दूसरे से टाइम ले लेते हैं, यार मेरी कहीं दिहाड़ी लगा दे। तो यहाँ से कुछ न्यूज़ आपके साथ इसलिए शेयर करता रहता हूँ मैं लाइव, जो सख्ती की सूरत हाल चल रही है यहाँ पर भी। जद्दा में वैसे भी अल अरबिया चैनल के ऊपर एक वीडियो चलाई गई थी जिसमें जद्दा में कुछ एक वीडियो में दिखाया गया था कि जद्दा में गैर कानूनी तरीके से कितने अफराद मुकीम हैं और ये काम वगैरह कैसे करते हैं, बड़े वगैरह में कैसे बैठे होते हैं। वो न्यूज़ भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। अभी मैं आपको यहां पर वीकली रिपोर्ट दिखा जो वजारत दाखिले की तरफ से शेयर की जाती है, ठीक है जी, जिनमें 13,627 अफराद मुकम्मल यानी कि टोटल गिरफ्तार हो चुके हैं इस एक वीक के अंदर। और इनमें मुखालफा निज़ाम अमन इकामा, ठीक है, मुखालफा निज़ाम इकामा बोल रहे हैं आप, 6,774 अफराद हैं, यानी कि 6,800 के करीब अफराद भाई वो पकड़े गए हैं जिनके इकामे एक्सपायर थे। इनमें हरूम उतरू वाले भी आ जाते हैं और इकामा एक्सपायर है जिन बंदों का, वो तमाम तर 6,800 अफराद इन 6-7 दिनों के अंदर पकड़े गए हैं। तो इसमें मुखालफा निज़ाम अमन अल हदूद, ठीक है, इनकी तादाद है जी 5,295 अफराद, यानी कि 5,300 अफराद वो भी पकड़े गए हैं जो गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में इंटर होते हैं या यहाँ से जिनके ऊपर केस वगैरह होते हैं, बोलते हैं हम किसी को पैसे देकर गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करते हैं वो भी। अच्छा, आगे लिखा हुआ है मुखालफा निज़ाम अल अमल 1,560 अफराद बोल रहे हैं यार, 1,560 अफराद वो गिरफ्तार किए गए हैं जिनके भाई महीना कुछ और, काम कुछ और, कफील कहीं और का काम किसी और शहर में। उनमें साए खास और साए मंजरी वगैरह, छोटा महीना वाले बंदे ज़्यादा आते हैं। तो थोड़ी केयर करें, इस वक्त जद्दा, रियाज वगैरह में बड़े शहरों में सख्ती चल रही है, ये कन्फर्म बात है। जिन बंदों के खासकर इकामे एक्सपायर हैं वो केयरफुल रहें, अपने इकामे रीन्यू कर लें अपने कफीलों को बोलकर। तो या तो भाई आप, मेरे हिसाब से यार, अगर एक इकामा एक्सपायर है तो 500 ग्राम करके छोड़ते हैं और सेकंड एक्सपायर है तो 1,000 ग्राम करके आपको फिर भी छोड़ देते हैं। अगर 3 इकामे एक्सपायर हों तो फिर बंदे को नहीं छोड़ा जाता है।